फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमा चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड मैं गर्मा गर्म चाय उबाल रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। तो इस कढ़ाई को लेके प्लीज़ जज मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसे साफ़ करने के लिए, बट ये साफ़ होता ही नहीं है। आप लोगों को अगर पता है कि ये कैसे साफ़ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगी। थोड़ा सा मेरा फेस डल लग रहा है क्योंकि नींद रात को मेरी हुई नहीं है एंड मैं बहुत जल्दी आज सुबह उठ भी गई थी, क्योंकि बर्तन भी थोड़े बाकी थे एंड फिर भी अभी थोड़े बाकी हैं एंड और भी ज़्यादा निकल चुके हैं बर्तन। बाबू का सुबह कल ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, लंच दिया मैंने उसको टिफ़िन में, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड के दोस्त आए थे एंड मेरे हस्बैंड भी गए हैं उनके साथ बाहर। यस, वो दोनों गए हैं उज्जैन। यस, उज्जैन गए हैं, तो पता नहीं कब तक आएंगे। फिर वहाँ से आके उनको काम पे भी जाना है, तो इसलिए शायद जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पे ना एक पिंपल हो गया, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या करूँ पता नहीं। जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर तो करूँगी। तो चलिए, बता तो दिया सुबह सुबह मेरा दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो चलिए चाय निकाल लेते हैं एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में। ये मेरा पहला चाय है सुबह का। आ चुकी हूँ मैं अपना नाश्ता लेके सुबह का, गर्मा गर्म मैगी। सिंपल तरीके से मैंने बनाया था क्योंकि ये मैंने बाबू को टिफिन में दिया था, तो तीखा ज्यादा नहीं बना सकती थी, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाया है मैंने एंड खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा मैगी लिया हुआ है क्योंकि मेरे पेट ना पता नहीं क्यों थोड़ा अपसेट लग रहा था। चाय अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं बाद में पीऊँगी, पहले मैगी खा लेती हूँ। बट फिर भी थोड़ा सा भूख लग रहा था तो मैं मैगी खा लेती हूँ एंड ये थोड़ा सा ही बचा भी हुआ था तो उसको तो वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं उज्जैन, तो वो सिर्फ चाय पी के ही गए हैं, वहाँ जाके पूजा करेंगे आई थिंक, तो खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उनके दोस्त एंड वो दोनों ही शायद पूजा करने वाले हैं, तो दोनों ने ही कुछ नहीं खाया, जस्ट मेरे जो हस्बैंड के दोस्त थे उन्होंने तो घर में कुछ भी नहीं खाया था, बट फिर भी मैंने सुबह को दोनों को चाय पिला दी क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिना चाय पिए बेड से उठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है चाय, क्योंकि मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ। बहुत दिनों से मेरी खांसी चल रही थी ना, तो यही अदरक वाले चाय ने ये मेरी खांसी कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो जिसको भी खांसी की प्रॉब्लम बहुत दिनों तक चलती रहती है ना, तो अदरक वाले चाय दिन में 2 बार ज़रूर पिए। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। थोड़ी बहुत तो अभी भी चल रही है, बट कोई बात नहीं, मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, होम रेमेडी से अपना खांसी दूर कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो चलिए मैं मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय। तो चाय नाश्ता कंप्लीट करने के बाद मैं आराम से बेड में बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरा फेस लग रहा था बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी फील हो रहा था, ऑयली स्किन है मेरा, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल हो रही है, तो इसीलिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ गुडनेस का प्लस
लव रेंज में से ऑरेंज वर्ष जेल जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है। तो क्योंकि मैं इसे घर में बैठ के यूज करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो सबसे पहले फेस को वॉश करके आती हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अपने फेस को वेट करके आ चुकी हूँ। अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ। ये है अल्प्स गुडनेस प्लस स्विस लव ऑरेंज वॉश जेल, कुछ इस तरीके का दिखता है ये। ये मैंने अपने पर्पल हॉल 2020 में शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये 100 ml का पैक है एंड ये प्यूरिफाइंग फेस वॉश है, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो। प्लीज़ थोड़ा नेल्स को इग्नोर कीजिए क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हूँ मैं घर के कामों में। तो इसे मैंने 2 से 3 दिन ही यूज़ किया है, बट सोचा ये फर्स्ट इम्प्रेशन टाइप का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, इसलिए मैं आज 2 दिन बाद इसे आप लोगों के साथ सामने यूज़ करके बताती हूँ। कुछ ये इस तरीका का दिखता है, ऑरेंज कलर का, यू कैन सी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। इसकी खुशबू ना सही में, जब तक इस फेस वॉश को मैं अपने फेस में अच्छे से मसाज कर रही हूँ तब तक इस फेस वॉश का रिव्यू देख लेते हैं। तो ये है एल्प्स गुडनेस ऑरेंज वॉश जेल। इसके पैकेजिंग है जो ये जो बॉटल है ये प्लास्टिक बॉटल है, साथ ही साथ इसके जो कैप है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी लीक नहीं हो सकता है क्योंकि ये पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड ये है 100 ml का जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो, साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है इट क्लींजेस एंड रिमूव्स टॉक्सिन्स प्यूरिफाई एंड रिफ्रेशिंग हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज। यस, ये अमेजिंग काम तो करता ही, आप लोग देख ही सकते हो मैंने इसे काफ़ी हक तक यूज़ कर लिया है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड में क्या लिखा हुआ है। एल्प्स गुडनेस प्लस स्विस लव ऑरेंज वॉश जेल इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ द एल्प्स। यूजेस के बारे में मैं अगर बात कर लूँ तो पोर सम एल्प्स गुडनेस फेस वॉश इन योर पाम, वर्क ऑफ लेदर एंड जेंटली मसाज ऑन योर फेस, रेज विथ वाटर एंड पैड ड्राई, यूज ट्वाइस ए डे। इसका अफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए इसे यूज़ कीजिए 2 बार ताकि इसका इफेक्टिव रिजल्ट आप लोगों को दिख पाए। एंड इसे जस्ट थोड़ा सा ही आपको अपने फिंगर टिप्स में लेना है, दोनों हाथों से मसाज करना है अपने फेस में सर्कुलर मोशन में, ऐसा नॉर्मल वाटर से वॉश करके पैच ड्राई कर सकते हैं एंड आपको एक अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा इसके फर्स्ट यूज़ से ही। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है हमारे स्किन से एक्सेस सीवम को रिंस आउट करने में, ईजीली क्लीन कर देता है। कॉसेंस की मैं अगर बात करूँ तो natural ingredient may be irritating to some people, always conduct a patch test before use. Yes, इसने सही कहा है, सही प्रिंटेड है, हमेशा हमें किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हमारे स्किन में एक पैच टेस्ट कर लेना चाहिए ताकि अगर इस प्रोडक्ट के यूज़ करने से हमारे फेस या स्किन में कोई भी इरिटेशन हो तो इस प्रोडक्ट को ना यूज़ करें। कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों से हमेशा दूर रखिए। कीप अवे फ्रॉम आइज, आइज में इसे यूज़ ना करें। स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट, ठंडे जगह में रखिए, सूखे जगह में रखिए, साथ ही साथ सनलाइट से दूर रखिए। एंड ये जस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए है एंड आप इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट भी देख सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसमें है पैराबिन, सल्फेट, मिनरल ऑयल या कुछ भी नहीं लिखा है। मेनली इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट साइट्रिक एसिड, बहुत ही अमेजिंग काम करता है ये हमारे स्किन में एंड पिंपल्स एंड बाकी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे स्किन से दूर रखता है। साथ ही साथ इसके बाकी के इंफॉर्मेशन भी बैक साइड में प्रोवाइडेड है एंड ये जस्ट 99 rupees का है। इसका डिस्काउंटेड प्राइस आप लोगों को दिखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ इसका टोटल हॉल वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज़रूर देखिए, मैंने वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स परचेस किया है। तो आई होप कि ये छोटा सा रिव्यू आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो।
आउटर रिव्यू तो हम लोगों ने देख लिया, अब कर लेते हैं थोड़ा प्रोडक्ट की बातें। तो चलिए देख लेते हैं। ये ज़्यादा फोमिंग फेस वॉश नहीं है, इसलिए इसका ज़्यादा फोम भी नहीं निकल रहा, आप लोग देख ही पा रहे हो। बट ये शायद बहुत अच्छी तरीके से मेरे फेस को क्लीन करेगा। इसे जस्ट मैंने अपने पूरे फेस के लिए 3 ड्रॉप्स यूज़ किया था, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया। थोड़ा सा ही लगता है पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए। आप भी इसे दिन में 2 बार यूज़ कीजिए इफ़ेक्टिव रिजल्ट पाने के लिए। एंड आप देख सकते हो काफ़ी हद तक मेरे स्किन को ये बहुत क्लियर कर दिया है। तो चलिए इसे मैं वॉश करके आती हूँ, फिर आप लोगों को इन डिटेल्स में इसका रिजल्ट दिखाती हूँ मेरे स्किन में। देख पा रहे हो कि मैं आ चुकी हूँ अपना फेस को वॉश करके। आप लोग सोच रहे कि मैं वॉशरूम में जाके अपना फेस को अच्छे से क्लीन करते हुए क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो तो मेरा है रेंटेड हाउस एंड लैट बाथरूम हम लोग का बाहर है, तो बाहर कैमरा या फ़ोन लेके जाके मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, सब मुझे पागल सोचेंगे। इसलिए जो भी करती हूँ मैं जुगाड़ लगा के घर में ही अपने रूम में कर लेती हूँ। सच बात बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है मुझे एंड बहुत ही ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन भी मुझे लग रहा है। यू कैन सी द रिजल्ट। यू कैन सी द रिजल्ट कि ये मेरे स्किन को कितना ज्यादा सॉफ्ट बना दिया है। एंड थोड़ा सा मुझे स्टिकी फील हो रहा है, क्यों पता नहीं। जो भी है मैं आप लोगों के सामने ही शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ इसे नेगेटिव वे में मत लेना, ये बहुत पॉजिटिव वे में मैं अपना रिव्यू आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझ पाओगे एंड अच्छे से जान पाओगे इस प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है एल्प्स गुडनेस का। आप लोगों को एक चेंज दिख रहा होगा मेरे फेस में, यस ये नोज रिंग, क्योंकि मैंने इसे चेंज कर दिया है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। क्योंकि वो जो पहले वाला नोज पिन था वो थोड़ा सा यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है, जो द होल ऑफ द नोज है मेरा, वहाँ पे वो कवर रहता था। तो मुझे ना ऐसे स्क्रब या फेस वॉश करना हो तो उसका जो इंग्रेडिएंट है या फेस वॉश है वो यहाँ जाके अटक जाता था, फिर मुझे दोबारा से इसे क्लीन करना पड़ता था, वो थोड़ा मुझे हेक्टेक का काम लगता था। तो इसलिए मैंने ये नोज पिन जो है वो चेंज कर दिया। तो ये नोज पिन पहन के मैं इजीली अपने फेस को वॉश कर सकती हूँ, स्क्रब कर सकती हूँ, साथ ही साथ इजीली कोई फेस पैक भी यूज़ कर सकती हूँ एंड मेरे जो नोज है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं ईयरिंग्स हो या नोज हो कुछ भी करवाने से पहले बहुत ज़्यादा 10 बार सोचती हूँ। एंड मैंने जब नोज पिन भी जब चेंज किया ना, यू कांट बिलीव कि मुझे कितनी ज़्यादा मुश्किल हुई। हालांकि 3 से 4 साल हो चुके थे मुझे नोज को छिदा के, यस मैंने शादी से पहले अपना नोज नहीं किया था, पियर्सिंग नहीं करवाया था, बट मैंने उसके बाद करवाया, वो भी मेरे मदर इन लॉ ने बहुत बार फोर्स किया, मेरे सासू माँ ने, मम्मी जी ने, तो उसके बाद ही मैंने करवाया एंड मौसी जियो ने भी बहुत बार बोला, तो इसलिए मुझे करवाना ही पड़ा। एंड अब जो स्टिकी फील हो रहा था ना, अभी थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट बाद बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। कि ये है मेरा ऑयली स्किन, बहुत ही ज़्यादा ऑयली है मेरा स्किन, तो कुछ भी मैं अब अगर अप्लाई करती हूँ ना, फेस क्रीम हो या कोई और मॉइस्चराइज़र, तो मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली बन जाता है। बट ये जो फेस वॉश है, वॉश जेल जो है, बहुत ही अमेजिंग है ऑयली स्किन वालों के लिए। ये पूरा ऑयल मेरे स्किन से रिमूव कर चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। जो मैंने आप लोगों के साथ अभी जस्ट शेयर किया कि फेस वॉश करने के बाद ही थोड़ा सा स्टिकी फील हो रहा था, बट 2 से 3 मिनट्स के बाद वो पूरा डिसअपियर्ड हो गया एंड मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लग रहा है। आप लोग खुद ही, मैं लाइव डेमो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इस फेस वॉश के बारे में जान सको एंड ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो ये फेस वॉश। इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट्स भी चल रहा है पर्पल में, तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे लिंक के थ्रू। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्मेल भी करता है। आप लोगों को ऑरेंज फ्लेवर का कुछ भी चीज़ अगर खाने की मन करे तो प्लीज़ इसे खा मत जाना, बट आप लोगों को अगर इसका स्मेल सूंघना है तो आप
सोच ही सकते हो कि आप लोग ऑरेंज फ्लेवर का कुछ खा रहे होगे। मेरे बाबू को तो मैंने इसको जब स्मेल करवाया था ना, तो वो खाने के लिए दौड़ पड़ा था, बट ये तो खाने की चीज़ है नहीं, तो मैंने उसको खाने को दिया नहीं। बट ये स्मेल एकदम ऑरेंज, रियल ऑरेंज के जैसा स्मेल करता है। तो आई होप कि ये छोटा सा रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ हो। हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। तो चलिए घर का बाकी का काम कर लेते हैं, क्योंकि है ये मेरा ब्लॉग, मैं ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि और भी ऐसे हेल्पफुल चीज़ें मेरे वीडियोस में आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड साथ ही साथ पास के बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन रखिएगा ऑल, ताकि ऐसे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बकबक हो रही है एंड अभी बज रहे 10 सुबह के, एंड मुझे घर का काम भी कम्प्लीट करना है जल्दी जल्दी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से, तब क्योंकि आज हम सब बहुत जल्दी उठ गए थे, तो हस्बैंड भी नहीं है अभी घर में, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया कि वो गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ उज्जैन। एंड बाबू तो अभी घर में रहता भी नहीं है फ़िलहाल, वो स्कूल जाता है, तो घर पूरा टोटली खाली है। तो जल्दी जल्दी घर का काम निपटा लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले बेड क्लीन करना। तो रजाई सारे अपने अपने जगह में रख लेती हूँ, साथ ही साथ सारे पिलोज़ भी अपने अपने जगह में रख देती हूँ, क्योंकि हमारा छोटा सा घर है तो सारी चीज़ों को ठीक से रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी बन जाता है। एंड यहाँ पर मेरा बेड हो गया है टोटली क्लीन, अब बाकी का काम। तो बेड को क्लीन करने के बाद मैं स्टार्ट कर लेती हूँ घर का झाड़ू लगाना। जितना भी घर हमारा छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, झाड़ू पोछा क्लीनिंग हर हाउसवाइफ का काम ही होता है। तो मैं भी अपना सुबह का काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हस्बैंड जल्दी चले जाने का कोई मतलब नहीं होता है। इस वक्त भी अगर मेरे हस्बैंड घर में रहते तो मैं उनको बेड क्लीन करने के बाद एक कोना में बैठा देती हूँ, उसके बाद घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही बाबू को स्कूल से लेके आने का टाइम हो जाता है। तो उसके आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ घर का ऑलमोस्ट सारा काम हो जाए, पूजा भी हो जाए, नहीं तो उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे लेज़ी फील होता है। थोड़ा उसके साथ बात मस्ती टीवी देखते देखते बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले ही सारा काम कर लूँ, ताकि वो आए, मैं उसको नहलाऊँ एंड हम सब लंच करें। एंड इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी काम निपटाने का। तो झाड़ू के बाद मैंने स्टार्ट कर लिया है घर को पोछा लगाना। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया है, हर चीज़ मैं घर का खुद ही करती हूँ, तो पोछा भी मैं रेगुलर लगाती हूँ। बस थोड़ा मुझे डाउट रहता है कि थर्सडे को लगाना चाहिए कि नहीं, बट अभी तक मुझे ये बात आप लोगों से कन्फर्म नहीं हुई है एंड मैं किसी और को पूछती भी नहीं हूँ। आप लोग ही हो मेरे सब कुछ, फ्रेंड फॉलोअर्स एंड सब कुछ, तो आप लोगों से पूछती हूँ, तो आप लोगों ने अभी तक मेरा साथ शेयर नहीं किया है, तो मैं थर्सडे को भी पोछा लगा ही लेती हूँ। तो चलिए पूरे घर को मैं पोछा लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा बॉडी लोशन, क्योंकि मेरा नहाना कंप्लीट हो गया है एंड मैंने बाल भी वॉश कर लिया है। तो ये बॉडी लोशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका रिव्यू मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्रीमी एंड थोड़ा वाइट कास्ट देने वाला बॉडी लोशन है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे अपने बॉडी में इसे ब्लेंड करने के लिए, बट इसका टोटल रिव्यू मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। बस मैं थोड़ा आज के वीडियो में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कल के वीडियो में मैं कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ देख सकते हो मेरा एक ब्लैक तिल है, आई एम जस्ट जोकिंग। केयर एंड बॉडी केयर हो गया है मॉर्निंग का, उसका तो अलग से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट मैं आज हेयर वॉश कर ली हूँ एंड उसमें मैं एक सीरम लगाने वाली हूँ, बट क्या सीरम है वो कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने मिलेगा। बट आज के ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि ये छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, एंड आप अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो ज़रूर से ज़रूर एल्प्स गुडनेस का प्लस स्विस लव ऑरेंज फेस वॉश जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड क्योंकि हो गए हैं 2 से 3 घंटे फेस वॉश करने के बाद, अभी भी मेरा फेस में कोई भी ऑयल सीक्रेट नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम करता है। इजीली ये
टू 6 आवर्स तक आपकी स्किन को एज इट इज रख देगा एंड बहुत ही अफोर्डेबल में बहुत अच्छा एंड बेस्ट क्वालिटी का फेस वॉश है, जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप कि आज का ब्लॉग हुआ हो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।